तो भाई लोग, कभी कभी हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स आते हैं जो क्रिटिक्स और ऑडियंस के बीच में पोलैरिटी पैदा कर देते हैं। और ऐसे ही एक डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। जहां उनकी अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह आई थी तो क्रिटिक्स ने उनको तो फेमिनिज्म और वायलेंस के नाम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ऑडियंस ने उन मूवीज को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। और उसके बाद खबर ये आती है कि वांगा साहब की अगली मूवी आ रही है रणबीर कपूर के साथ, विच इज गोना बी अ फुल ब्लोन एक्शन गैंगस्टर ड्रामा थ्रिलर। तो ऑडियंस को तो एक्साइट होना ही था। और आज आया है इस मूवी एनिमल का प्री टीजर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो भाई, कबीर सिंह के टाइम पर भी डायरेक्टर वांगा को जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था वो था वॉयलेंस। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि वो एक मूवी बनाएंगे जिससे क्रिटिक्स को पता चलेगा कि असल में वॉयलेंस होती क्या है। और इस 50 सेकंड्स के प्री टीजर को देखकर वो वाइब भरपूर आ रही है। इस टीजर की जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी इसकी स्टाइलाइजेशन और प्रेजेंटेशन। मतलब जैसे ये टीजर स्टार्ट होता है एक पावरफुल पंजाबी सॉन्ग के साथ और हमें दो गैंग्स दिखाई जाती हैं, सो इट सेट्स द मूड कि भाई यहां बहुत खून बहने वाला है। और वही होता है। इतनी तो समझ आ गई है कि रणबीर कपूर का ताल्लुक यहाँ पर एक पंजाबी फैमिली से होने वाला है और उनकी पूरी की पूरी गैंग में भी सरदार ही नजर आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह रणबीर कपूर का कैरेक्टर कुल्हाड़ी लेके शर्ट और धोती में इतने सारे आदमियों के बीच में जाता है और उसके बाद जितना भी एक्शन हमें देखने को मिला है उसे यही पता चलता है कि ये मूवी जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा वायलेंट होने वाली है। और इस कॉरिडोर फाइट सीन को देख के ना जाने क्यों, लेकिन मुझे कंग फू हसल मूवी की एक्स गैंग की याद आ गई। क्योंकि 50 सेकंड के टीजर में ही सही, लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत कमाल की सिनेमेटोग्राफी दिखाई है कि जैसे पहले हमें ये गोल्डन हेलमेट वाली गैंग दिखाई जाती है तो लाइट्स ब्राइटर हैं, दूसरी तरफ हमें जब सरदारों की टीम दिखाई जाती है तो लाइट्स डार्कर हैं, और जैसे ही रणबीर कपूर गेम में आते हैं तो सारी की सारी लाइट्स रेड हो जाती, इंडिकेटिंग दैट द रियल डेंजर इज हियर। और यही तो एक कमाल के डायरेक्टर की खासियत है कि वो एक 50 सेकंड के टीजर के अंदर भी पूरी दुनिया को बात करने के लिए इतना कुछ देके जाता है। और जो सिनॉप्सिस इस मूवी के अभी तक सामने आए हैं उसे यही पता चला है कि ये मूवी एक रिवेंज सागा होने वाली है, जहां रणबीर कपूर जो कि एक फिजिक्स के टीचर होंगे और उनके फादर अनिल कपूर जो कि गैंगस्टर होंगे वो बॉबी देओल के साथ गैंग वॉर में मारे जाएंगे, और जिधर रणबीर कपूर एक चॉकलेटी बॉय से एक फुल ब्लोन गैंगस्टर बनेंगे जस्ट टू टेक हिज फादर्स रिवेंज ऑन बॉबी देओल। एंड बॉबी देओल इज द मेन विलन ऑफ दिस मूवी। इट्स गोना बी रणबीर कपूर वर्सेस बॉबी देओल इन द डायरेक्शन ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। तो ये मूवी देखने के लिए भाई आई एम डैम एक्साइटेड। तेरा आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये एनिमल मूवी का प्री टीजर। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता बेबी।